हाँ जी फ्रेंड्स, हम सफ़ेदों से निकले हैं अभी अभी। और आपने तो पता होगा, मैं मौसी से मिलने गई थी, तो ये उसी दिन का सेकंड पार्ट है। तो हमारी रास्ते में हो गई लड़ाई सफ़ेदों से निकलते ही, कुछ 5 किलोमीटर पे ही। क्योंकि पता है, यूट्यूब से कॉल आया था, तो वो मेरे से, मुझे पता नहीं था, वो कुछ प्रोसेस वगैरह चल रहा था, वो जो सिल्वर बटन आएगा। मैंने फिर से सीट चेंज कर ली, और मेरा जैसे ही मेरा फ़ोन का काम निपटाए, का ही वो यूट्यूब वालों से बात हो रही थी कुछ सिल्वर बटन जो आना है उसके बारे में। जैसे ही मेरी कॉल कटी, मैंने इनको बोला, लो पकड़ो, तुम ड्राइव करो, मैं तो थक रही हूँ, मैं नहीं करूँगी। वैसे तो मैं ड्राइव करती हूँ तो थकी, मतलब अकेली होती तो मजबूरी है मेरी, जब ये होते हैं तो मैं क्यों ड्राइव करूँगी। मजे से ये ड्राइव करेंगे, मैं मजे से फ़ोन चलाऊँगी, सॉन्ग चलाऊँगी और इनके साथ लड़ाई करूँगी। तो जी, हम पहुंच गए हैं इंद्री, बस 5:30 बजे करीब हम उनके घर पे पहुंच गए थे। दीदी के यहाँ से निकल लिए हैं और टाइम हो गया है पूरे 5:20, और हमें घर भी पहुंचना है, तो काफी टाइम लग गया वहाँ पे। एक तो थोड़ी वीडियो वगैरह बनाई थी, और सूट लेने चले गए ना, वहाँ पे टाइम लग गया। हम 2 बार गए सूट लेने के लिए, पहले तो दीदी काम कर रही थी, तो फिर दीदी को लेके गई मैं सिलेक्ट करवाने के लिए कि कौन से अच्छे हैं कौन से नहीं, तो वहाँ पे काफी टाइम लग गया हमारा। और फिर आंटी आ गई थी, सुमित्रा आंटी, तो उनसे बातें करने लगे थे, बैठ के चाय वगैरह पीने लगे, फिर नहाए धोए रेडी हुए, तो थोड़ा टाइम तो लग ही जाता, क्योंकि रात को भी हम लेट पहुंचे थे, 10 साढ़े 10 बजे के करीब दीदी के घर पे। तो अभी हम घर पे ही जा रहे हैं। वैसे फिर रास्ते में फ्रेंड का फोन आ गया, हस्बैंड जी के, जो कि मैंने बताया था, भैया है करनाल के, मियाँ सिंह रांझा, तो उनके घर पे जा रहे हैं अभी। उन्होंने बोला घर पे होके जाना है, कैसे भी, मतलब चाहे तुम्हें रात हो जाए चाहे कुछ हो जाए, घर पे होके जाना है। तो अभी वहीं पे जा रहे हैं, उनके घर पे ही। और पहले भी व्लॉग में देखा होगा उनको आपने, एसी ठीक करवाने के लिए जो स्पेशल इंद्री से लेके आए थे मिस्त्री को, जो है एसी की सर्विस करवाने के लिए, तो पहले उनके घर पे ही जा रहे हैं, भैया के घर पे ही। और बहुत दिन हो गए, वो बोल रहे थे कि पास से निकल जाते हो, करनाल से निकल जाते हो कई बार, पर आते नहीं हो, तो इसलिए आज हम वहीं पर जा रहे हैं भैया के घर पे, हस्बैंड जी के फ्रेंड के घर पे, हस्बैंड जी के दोस्त के घर पे, हस्बैंड जी के भाई के घर पे। बोलो, कुछ कहना चाहोगे? क्या कहना चाहेंगे भाई, बुलावा आया तो जाना पड़ेगा। देखो जी, ये कितना सारा सामान लिया है, फ्रूट मैंगो लिया है घर के लिए भी, और जहाँ फ्रेंड के यहाँ पे जा रहे हैं वहाँ भी, तो मैंने कहा कुछ फ्रूट ले आओ, मैं तो वैसे ही डाइटिंग करती हूँ। पता है क्या लेके आए? ये चीकू देखा, आलू जिसे, इसे चीकू मिल रहे हैं करनाल में, है आलूआ जिसे, क्यों मैं फ्रूट फ्रूट पर आया करूँ ना, डाइटिंग करनी है, मैंने 3 किलो वजन कम कर लिया 4 दिन में। ये देखो चीकू दुलवा के लाए यार, बिल्कुल ऐसे लग रहे आलू माटी में तो खोद के लाया करें जनू। चल हाथ में उठा तो थे लिया, फिर भी जेब में डाल देती सी सीट की, मेरी चुन्नी भी फटेगी, फटेगी, कुछ नहीं फटता है, इतनी चूहे ना पूरी गाड़ी काट रखी थी। फोन ले, तू ले आइए वो, है वो फ्रूट तुम ले आओ, ये बिगड़ गई थी। गाड़ी पार्क कर दी हस्बैंड जी ने यहाँ पे, ये हम आ गए हैं गड़ी करनाल के पास, गड़ी। ये उनके छोटे भाई की, भाई का घर है, भैया जी के बच्चे खेल रहे हैं। हेलो दीदी, सतनाम। सतनाम, भैया ने फोन कर दिया होगा? हाँ, अभी भी फोन करें। अच्छा अच्छा हेलो सीतू, हेलो सतनाम बुआ जी। सतनाम बेटा, सतनाम बेटा, ठीक है, हाँ चलो चलो, सतनाम दीदी आ जाओ। दीदी व्लॉग देखा करो आप? हाँ देखा, सब देखा, लक्ष्मण डैडी देख ना, तो होगा क्या, होता है देखा। दोनों तरफ पैर करके बैठ जाऊँ ना? बैठो, या एक तरफ पैर करके, ठीक है, चुन्नी कर लियो सिर पे, हैं बड़ी बड़ी बात है नहीं, आराम से चलाइए। मैं सिट्टू के साथ अभी हम शॉप पे जा रहे हैं, दीदी की सूट
सूट सूट देखना है, मैं हरियाणवी सूट देखती हूँ। दीदी के पास कैसे अच्छे अच्छे कलेक्शन है। वो दूर है, लागे नजदीक है। शर्म तो आवा मैंने वे ना छोड़ जाते मम्मी ने यहाँ तक। अरे मैं नहीं क्या नहीं गाड़ी गई उनकी। हे हम तो 45 सेकंड भी ना लागे, 30 सेकंड लागे। दीदी की शॉप देख लो, सूट लेके आती हैं अम्बाला से दीदी, और सही बैठने का इंतजाम कर रखा है। ये गढ़ी में है दीदी की शॉप जो है, तो देखते हैं अभी कैसे कैसे सूट मिलेंगे हरियाणवी। आ जाओ दीदी, चल बाय सिट्टू, तू भी चला गई, चलो। और भाई क्या हाल है? बढ़िया है। चलो भाई, चलो चलो। अच्छा भाभी आ जाएगा? बंद करो। हाँ बंद कर दो, खोलियो। पहुंच गए हैं लाडवा, और 20 मिनट लगे, 20 मिनट ना 10 मिनट लगी हमें इंद्री से यहाँ पे पहुंचने में, और अभी बस सीधे घर पे ही जा रहे हैं। डेढ़ घंटे में घर पहुंच जाएंगे, हाईवे पे चढ़ने ही वाले हैं बस थोड़ी देर में। और हस्बैंड जी के साथ लड़ाई हो रही थी किसी चीज़ पे, जो कि मैं कल दिखाऊंगी क्या चीज़ पे लड़ाई हो रही है। मैं पता नहीं इनको इतना मना करती हूँ, कुछ भी चीज़ ले लेते, कुछ भी, आंख बंद करके कुछ भी। अब देखो इन्होंने क्या लिया, मैं दिखाऊंगी आप सभी को सुबह। तो सारा सामान नीचा पड़ा है, चुप करके रखा गद्दे, देखो कितना सारा सामान भर रहे हैं। ओहो, यू क्या रख रहे हो? डाल देते ना, सीट नीचे गिरा रखी है, इसका मतलब तुमने सामान तो जो गिर रखा गिर ही रखा है। ना ना, ये तो रहने दो। देखो यार, तेल का टीन है, तेल रखा है, और
कितना सारा सामान गिर रखा है, गाड़ी की सफाई भी नहीं कर रखी इन्होंने। बालाजी से आने के बाद गाड़ी ना तो वॉश पे गई है और ना गाड़ी साफ की है भाई। टाइम बस टाइम नहीं है, आराम से मजे से सो रहे हैं, नींद पूरी कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं है। दिन में भी पूरा दिन सोते हैं, एक बजे बारह एक बजे आ जाते हैं अंदर, वैसे तो भागे फिरेंगे, फिर भी सोना ही सोना है। 3-2 घंटे इनको दिन में लड़ाई सी बात की है। अपना काम क्यों नहीं करते तुम, मेरे काम में बता दो इतनी सी कमी है क्या? सारी कमी चाहे मैं रात को कितनी लेट तक काम करूंगी, बच्चा ने भी परफेक्ट, घर में भी रोटी सब्जी जो भी मतलब कुछ भी है, अपनी सारी जिम्मेदारी निभा रही हूँ और अपना यूट्यूब का भी काम कर रही हूँ, इंस्टा का भी काम कर रही हूँ, और तुम अपने काम में बस नींद पूरी होनी चाहिए। रात ने भी 10:30-11 बजे अपने टाइम पे सो लेवे हैं, चाहे घर में कुछ भी हो, चाहे कोई भूखा हो, कोई सूखा हो, चाहे कोई बीमार हो, बीमार हो, किसी ने रोटी भी ना खाई हो, दूध चाय कुछ नहीं लिया, और मैं बस इनकी क्या बता दूं। बस इसमें तो मंडे की रात को अमृतसर जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल पे, और जो है वो भाई जा रहे हैं अतुल भाई, उनके साथ फैमिली के साथ जा रहे हैं, हस्बैंड जी और हम। मैं तो इन्हें कह रही हूँ मगर बस घूमने का ही काम शुरू कर दो, क्यों कभी कोई बोलता ही रहता है अभी हमारे साथ चलो दीदी, अभी ओढ़ दे इसने सारी घाटी का नाश कर दिया, बिना किए बना रखा है टम्पू 3-व्हीलर वो 4-व्हीलर बना रखा है, इसमें लाद लाद के न्यू सामान तेरा बस ना चलता है, इसमें तू सामान ढोंडगा चोकर जाकर ढोंडगा काम कर सके है। हाँ तो भाई अभी तो रोज जैसे ही घूमने वाला मतलब बोल लिया प्रोग्राम कति, हस्बैंड जी को डेरी का काम मैंने लागे जल्दी बंद करना पड़ेगा, घूमने वाला काम स्टार्ट हो लिया है, तो कल फिर गोल्डन टेम्पल जा रहे हैं। लो जी हम यहाँ रेस्टोरेंट में रुके हैं इधर, और काफी अच्छा लगा मुझे, तो हमने सोचा देख लेते हैं कैसा है। इस रोड पे अभी नए बने हैं और बहुत भीड़ है यहाँ पे, देखो काफी भीड़ है गाड़ियों की। तो जी हम उतर गए हैं यहाँ पे, बीच में बच्चों का फ़ोन आ गया था, बच्चे पूछ रहे थे मम्मी कितना टाइम लगेगा, मैंने बोला 1-1.5 घंटे में आ जाएंगे, तो हमारा मन तो नहीं था पर रेस्टोरेंट को देख के हमने सोचा कि देख लेते इस रोड पे कैसा रेस्टोरेंट है, कई बार आना पड़ता है ना हमें, तो यहाँ पे बैठ के देखो हस्बैंड जी को ऑर्डर। तो भाई मैं हस्बैंड जी के साथ कर रही थी यहाँ पे मजाक, और हस्बैंड जी थोड़े नर्वस हो रहे थे, बोले फर्स्ट टाइम मैं तेरी वीडियो व्लॉग बना रहा हूँ, तो वैसे भी मैं फर्स्ट टाइम ही व्लॉग बना रही थी बाहर रेस्टोरेंट वगैरह में, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। शर्म तो काफ़ी आती है, सब लोग ये देखते हैं कैमरे में पता नहीं क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो सबकी निगाहें हमारी तरफ थी, काफ़ी क्राउड हो रहा था, सब डिनर के लिए आए हुए थे, किसी की पार्टी वगैरह थी, तो हमने ऑर्डर किया यहाँ पे बटर पनीर और रायता, सिंपल बटर रोटी। हस्बैंड जी को भूख लगी हुई थी, मुझे नहीं थी, तो फिर मैंने कहा टेस्ट तो कर ही लेते हैं, आने जाने में कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई कुछ खाना भी पड़ जाए तो रास्ते में रेस्टोरेंट तो पता होना चाहिए अच्छा सा। ये नहीं खाया जाएगा, गुड़ खाया जाएगा, मैं भी गुड़ ही खाऊंगी, मुझे भी पसंद है गुड़। हस्बैंड जी कर रहे हैं यहाँ पे बिल पे, हमने सोचा था पहले बहुत ही कॉस्टली खाना होगा, लेकिन बहुत ही अच्छा और सस्ता खाना था, 380 लगे सिर्फ हमारे। हैंड वॉश के लिए आई हुई इधर, बहुत ही चल गया। हमने यहाँ पे खाना खाया है और ज़्यादा नहीं कुछ खाया, थोड़ा हल्का फुल्का खाया, इसलिए खाया कि घर जाके अभी बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, तो किस टाइम पहुँचते। फिर रायता रोटी बना के गई पीछे से सविता ने, क्योंकि सब्जी वगैरह कुछ नहीं थी और हम प्याज की सब्ज़ी अभी खा नहीं रहे हैं, तो कुछ भी अच्छा बन नहीं रहा अभी खाने का घर पे, तो हमने यहीं पे खाया है बटर पनीर रोटी। आज हमने रायता भी लिया था साथ में और थोड़ा सा बिल पे कर दिया हस्बैंड ने। तो आज के ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे और बिल्कुल नया हुआ है, इसको 6-7 महीने हुए हैं ओपन हुए हुए को रेस्टोरेंट को, और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा मुझे, बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, लव यू ऑल।